राजेंद्र कुमार वर्मा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त तो रीवा के निर्देशन में जिला अनूपपुर में यातायात प्रभारी सूबेदार अमित विश्वकर्मा जिला अनूपपुर के विरुद्ध ट्रैप कार्रवाई की गई है। सतना निवासी योगेंद्र शर्मा जिनके 29 बल्कर ट्रक संचालित हैं, एंटी के रूप में 50,000 रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से बातचीत के दौरान 10,000 रुपए आरोपी यातायात प्रभारी द्वारा ले लिए गए थे। विगत दिनांक 11 फरवरी 2021 को अपने अधीनस्थ यातायात आरक्षक अब्दुल कलीम को भेजकर शेष 40,000 रुपए आरोपी के द्वारा शिकायतकर्ता से प्राप्त करने के लिए फोन पर कहे जाने पर आरक्षक के द्वारा उक्त रिश्वत की रकम 40,000 शिकायतकर्ता से प्राप्त की गई, जिसे मौके पर रंगे हाथों पकड़ा गया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह परिहार, निरीक्षक डोमन सिंह मरावी एवं 20 सदस्यीय दल के द्वारा कार्यवाही की जा रही है। जो कार्रवाई हुई है आज, क्या मामला है सर? पूरा क्या मामला? उसी में इनको गाड़ियाँ जिले में प्रवेश करने का पैसा चाहिए। कितना पैसा मांग रहा है? 2500 रुपए की डिमांड इन्होंने किया था, 2500 रुपए से कम करते करते 1500 रुपए पर गाड़ी पे मांगे थे। अच्छा, तो पहले कुछ किस दिए थे आपने, दोबारा कुछ ऐसा हुआ है? मैंने इनको 9 तारीख को 10,000 रुपए इनके हाथ में दिया था। आपने खुद? हाँ, हमने खुद अपने हाथ। कहाँ दिया था आके अपने? यातायात कार्यालय में, थाने में। अच्छा, उन्होंने सर उसके बाद इन्होंने मेरे को 2 दिन का मौका दिया था कि आप 1-2 दिन में मतलब आकर के 40,000 रुपये का पैसा दे। ठीक, तो आज आप आए थे देने? हाँ, तो वही आज मैं पैसा देने के लिए आया था। और इसके पहले जब इन्होंने मेरे से फ़ोन में बार सप्ताह में हमेशा करते थे, तो बार सप्ताह में जब भी मेरे ऊपर प्रेशर बनाए हुए थे, तब मैंने लोगों का यूपी संपर्क कर दिया। पैसा आपने कहाँ दिया? उन्होंने 83। कितने बजे के आसपास आपने शिकायत, किस दिन डेट क्या थी शिकायत की? डेट की शिकायत है मेरी 9 तारीख। 9 तारीख आज आपने कितने बजे पैसा दिया था? टाइम को न बता पाऊंगा सर, लेकिन लगभग 4। कौन लेने आया था, रिसीव करने कौन आया था आपका पैसा? रिसीव करने कोई नहीं आया था, इन्होंने मेरे को व्हाट्सएप कॉल पे फोन किया और उसके बाद बोले कि आप चले जाइए, वहाँ पे हमारे कर्मचारी चेकिंग लगाए हुए हैं जी, दोपहरी मोड़ पे, तो वहाँ आप चले जाइए, वहाँ पे कलीम नाम का आदमी मिलेगा। अच्छा, आपकी गाड़ी पहुँचेगी तो जी आपके पास आ जाएगी। किसने कहा ये बात जी? किसने कहा ये बात? अमित विश्वकर्मा। तो फिर आप वहाँ गए? फिर मैं जब वहाँ गाड़ी लेके अपनी पहुँचा, तो अमित जी और 1-2 सिपाही और थे, चेकिंग लगाए हुए थे, चालानी कार्रवाई कर चल रही थी, तो मेरा बेट ही कर रहे थे जी। अमित स्वयं? अमित नहीं, अमित तो नहीं थे। अच्छा अच्छा, फिर एक आरक्षक आके बोले कि योगेंद्र शर्मा जी है, मैंने कहा हाँ, बोले कलीम से मिल लीजिए, साहब का फोन आया था। अच्छा, फिर कलीम आए तो हमने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, और जिस तरीके की हमारी उनकी बात हो रही थी, तो 40,000 रुपया हमने उनको गिनवाया जी। और फिर हमारे फोन से क्लियरेंस हुआ, कलीम ने बात की साहब से कि साहब पैसा मिल गया, और उसके बाद ये ट्रेसिंग की कार्रवाई होगी। आपका क्या नाम है? योगेंद्र शर्मा। आपकी कितनी गाड़ियां चलती हैं? सपना। आपकी कितनी गाड़ियां चलती? गाड़ियों को कोई निश्चित नहीं है साहब, कभी 10, कभी 5, कभी 15। कहाँ चलती हैं? यही जतहरी से। जतहरी से कहाँ, कहाँ जतहरी में कहाँ जाती हैं? जतहरी में पावर प्लांट है ना सब कोई। अच्छा अच्छा, क्या लेके जाती थी? क्या लेके जाते हैं यहाँ से? फ्लाइस लेके जाती, फ्लाइस बल्कर है आपके पास जी? जी, तो ये किस बात का होता है पैसा है 1500 रुपये, मतलब क्या ओवरलोड का रहता है? अब एक्चुअली क्या है कि फ्लाइस जो लोड होता है वहाँ पे कांटा वगैरह है नहीं जी, अंदाज में सूट से लोड होता है जी, तो वो कभी 2-4 टन ज़्यादा हो जाता है जी, तो उसी चीज़ का ओवरलोड का ये इन्होंने प्रेशर बनाते हैं, प्रेशर बनाते हैं कि आपकी गाड़ी ओवरलोड है, नहीं तो चला नहीं। बाकी और जो सड़क में चलने के लिए दस्तावेज की जरूरत होती है, उतने पूरे दस्तावेज पूरे कंप्लीट है, ओवरलोड के नाम के पैसा लगा ओवरलोड के नाम पे, हर महीना इस शुल्क देनी पड़ रही है, हर महीने इनको एंट्री भी चाहिए ओवरलोड के नाम पे, 1500-2000-2500 की एंट्री चाहिए पर गाड़ी, पर गाड़ी, और बीच बीच में इनको साहब कोटा वोटा पूरा करने के लिए चालान भी करते हैं, कभी SP के नाम पे, कभी DSP के नाम पे, इस तरीके से गाड़ी खड़ी करा लेंगे और फिर उसका पैसा भी पड़ा। ठीक सर, डालिए क्या कार्रवाई हुई इसमें? शिकायतकर्ता योगेंद्र शर्मा के 29 बल्कर ट्रक संचालित हैं, अनूपपुर से गुजरने के लिए यातायात प्रभारी अमित विश्वकर्मा सूबेदार द्वारा 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें दिनांक 9 तारीख को प्रथम रिकॉर्डिंग के दौरान 10,000 रुपये यातायात थाने में ही लिए गए। आज शेष 40,000 रुपये
आरोपी के द्वारा मांगे गए थे, परंतु वह उसने अपने अधीनस्थ यातायात आरक्षक अब्दुल कलीम को शेष 40,000 रुपये शिकायतकर्ता से प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसे अनूपपुर में अंडरब्रिज चेक पोस्ट जहां यातायात के पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी, वहां पर 40,000 रुपये रिश्वत शिकायतकर्ता से प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। सर, कुल लेन देन कितनी रकम का था और कितना रकम आज जब्त हुई है? कुल 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई थी, जिसमें से 10,000 रुपये आरोपी सूबेदार अमित विश्वकर्मा द्वारा सोम दिनांक 9 तारीख को यातायात थाने में लिए गए थे। शेष कैनन न्यूज़ के लिए अनूपपुर से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट।